हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ मैं आम देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोग को मैं अमराई में लेकर आई हूँ। अमराई यानी आम का बगीचा। तो देख सकते आप लोग, देखिएगा कि कितना सारा आम का बगीचा है यहाँ। ये सिर्फ मेरे आम के बगीचे नहीं हैं, यहाँ और भी लोग के हैं। और ये जो जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा पर्सनल है। ये पति देव का लगाया हुआ आम सब है, मैंने कि लेबर से लगवाया गया है और उन्होंने अपने बलबूते ये सब किया है। और ये ज़मीन मिट्टी की गुराई हुई थी कुछ दिन पहले, तो थोड़ी थोड़ी घास जमनी शुरू हो गई है। और कुछ घास आप लोग को बारिश न होने की वजह से झुलसी हुई भी दिखाई दे रही है। तो और यहाँ एक थैला रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग आम तोड़ने के फिराक में हैं अपने ही पेड़ से अचार के लिए। और देख सकते, ज़्यादा तो नहीं, हर पेड़ पर 10-15 आम से ज़्यादा नहीं है। और वो दो चार पेड़ है, पेड़ तो लगभग 20-25 है यहाँ आम का, लेकिन कुछ ही 3 या 4 पेड़ पर आम है और 10-12 की गिनती में, क्योंकि पेड़ भी अभी बहुत छोटा छोटा है मेरा। ये अभी तुरंत जस्ट 2-3 साल पहले लगा है। और यहाँ ये डंटा लाए हम लोग आम तोड़ने के लिए। और यहाँ देखिए, हम लोग कुछ आम हमने तोड़े हैं, तो यही है। ये शायद बम्बई इस आम को बोला जाता है। और यहाँ दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा कैमरा धीरे गलती से ऑन रह गया था और केवल नीचे का रिकॉर्ड हो गया था, इसके लिए सॉरी। और ये देखिए, ये है, ये मालदह इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ। हम लोग के यहाँ, आप लोग के यहाँ ये कौन सा आम बोला जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो कम से कम जो आम के फ़ैन हैं वो तो कम से कम इस बार लाइक करके ज़रूर जाइएगा, जिनका फेवरेट होगा आम वो प्लीज़ इस बार ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ आप लोग देखते होंगे कि पेड़ में चूना लगा हुआ है, तो ये कीड़ा से बचने के लिए हमने लगवाया था, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इस कीटनाशक भी डाला गया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि एक पीली चींटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पेड़ों पर पाई गई देख के मैंने फिर से इसमें कुछ ना कुछ इसके लिए जरूर उपाय करना होगा, नहीं तो सारे पेड़ ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ ये कुछ आम हम लोगों ने तोड़े हैं, थोड़ा सा आम तोड़ा है, ज़्यादा नहीं तोड़ा है, 20-25 आम करीब, हाँ 30-20 से 30 के बीच में हमने आम तोड़े हैं। ये इतना ही आम काफ़ी होगा, क्योंकि आम बहुत बड़ा बड़ा होता है हमारे यहाँ ये। और ये एक अजीब सा पेड़ है जो 2-3 आम के पेड़ों को ये दबा रहा है बीच में, कुछ घना सा ये पेड़ है। और यहाँ सिर्फ आपको बहुत दूर तक, हमको लगता है कि 2-2.5 किलोमीटर तक आपको सिर्फ ये आम के बगीचे मिलेंगे। और यहाँ प्यारा सा बालेश्वरी का दर्शन ऐसे दिखाई देता है हमारे यहाँ। ये सूर्योदय का समय, क्योंकि मैं अंधेरे में ही आती हूँ यहाँ, तो आपको मैंने ये अपने गांव का मॉर्निंग व्यू भी दे दिया है कि कैसे जब सूर्योदय होता है तो कैसे हमारे यहाँ सूर्योदय का दृश्य होता है। और यहाँ मैं फिर आ गई हूँ जहाँ ये खलिहान हुआ करता था जब मेरे दादा ससुर लोग। देखिए कितना अच्छा लगता है यहाँ मॉर्निंग व्यू, कभी क्या हिल स्टेशन से कम लग रहा है।
और ये केले के कुछ पेड़ लगे हुए, केले मेरे नहीं है, किसी और के हैं। और यहाँ ये ईंट बिछी हुई सड़क है ताकि कीचड़ न हो, फिर भी जब बाढ़ आती है ये सब एरिया पानी से ढका हुआ होता है। और यहाँ देखिए आपको सूर्य भी दिखाई दे रहा है और मैंने आपको चंद्रमा भी दिखाई दे दिया, दिखा दिया। कुछ इस तरह है मॉर्निंग व्यू हमारे गांव का। और यहाँ सुहानी को मिल गया है आम पका हुआ खाने के लिए, और यहाँ दो आम रखे हुए हैं, कच्चे हैं ये। और ये आम के पेड़ सब मेरे दादा ससुर द्वारा लगाए गए थे, और कभी जब वो लोग रहते थे, वो लोग लाइव थे, जिंदा थे, तो वो लोग यहाँ घर बनाकर, यानी कि पर्ण कुटी टाइप की कुटिया बनाकर यहाँ लोग रहते थे, मवेशी हुआ करते थे ढेर सारे, गाय भैंस बैल। यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है पेड़ों के बीच से सूर्य का झांकना, अच्छा लग रहा है ना ये दृश्य। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये मॉर्निंग व्यू हमारे गाँव का कैसा लग रहा है आप लोगों को। और किसने ऐसे अमराइयों में जाकर आम खाया है बचपन में, ज़रूर बताइएगा। और ये खजूर के पेड़ से रस निकालने के लिए मटकी लगी हुई है मिट्टी की, तो ये यहाँ आजकल ये जंगल झाड़ हो चुका है। और कभी 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 जब हम लोग, मेरे दादा ससुर जी, अब मैंने यानी मेरे ससुर जी भी जब जिंदा थे तो उस समय यहाँ घर यानी कि कुटिया टाइप का होता था, उसमें गाय बैल भैंस सभी रहते थे, उनकी रखवाली करने के लिए पिताजी लोग चाचा लोग रहते थे यहाँ। तो ब्लॉग मेरा अब समाप्त होने जा रहा है, लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा।